देख सकते ज्यादा बॉयल नहीं करना था, थोड़ा सा बॉयल करना था। अब आप इसमें हमारा भरता बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो जब खाएंगे ना तब मजा। हेलो फ्रेंड, लव मैरिज कपल में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं नया रेसिपी दोस्तों। ये जल्दी शहर में नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तों। ये ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, इसको कैता बोलते हैं। आप लोग बहुत लोग कुछ और भी जानते होंगे। और ये इतने लंबे लंबे होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी मतलब भी तो इतनी बड़ा हुआ था, तो हम गए थे ना तो तोड़ के लेके आए दोस्तों। नहीं तो इतना इतना होता है दोस्तों ये कैता, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में दोस्तों। इसका भरता बनाने वाले दोस्तों, कैसे बनाएंगे भरता तो आप लोग देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देहाती स्टाइल में भरता बनेगा दोस्तों, और काफ़ी लाजवाब बनेगा, टेस्टी बनेगा दोस्तों खाने में। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए, कैसे बनाना है। तो इसका जो है ना छिलका, इसका ज़्यादा छिलने से छिलना नहीं रहता है, बस इसको ऐसे से कर देना है, बस जो वाइट वाइट चत्ता है ना उसको निकल जाना चाहिए दोस्तों, बस ऐसे कुछ नहीं। तो तरह से सारा छिलाएगा, देख सकते हैं पूरा वाइट वाइट जितना चत्ता है सारा निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी छिल लेते हैं हम, ये ना क्या देहाती कैता भी बोलते हैं इसको। और कितने शहर में ना हरा होते हैं, फिर हल्का वाइट होते हैं, दो कलर में होते हैं, और यहाँ पे तो ये पूरा उजले ही है। तो इसका स्वाद भी जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लाजवाब लगेगा दोस्तों खाने में भी, और काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के तरफ क्या बोलते हैं, या आप लोगों के पास ये वाला कैता होता है क्या आप लोगों के तरफ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बस हम इसी को अभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी बनाएंगे दोस्तों खाने में। सोच रहे आए हैं तो कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं, भाभी भरी बना के खिलाइए। तब मेरी भौजाई का डिमांड है तो हम खिला रहे हैं, तो मेरी भौजाई तो मेरे को बैठा के खिलाई, हमको तो खिलाना पड़ेगा ना आज। तो जा रहे दोस्तों जल्दी बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड देख सकते हैं, तो सारा हम छिला चुका हमारा, तो इसको हम गोटा तो ऐसे चिराएगा नहीं क्यों, ये फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फाके फाके काट देते हैं। देखिए इस तरह से जितने बड़ा बड़ा हमको तलना है भरुआ बन के, ये देखिए भरता, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम देख सकते हैं बीच में कैसा है, इसको हम निकालेंगे ऐसे, आराम से निकालेंगे दोस्तों। देखिए इसका जो हमारा है ना, इसका जितना बीचे उचा है ना, देखिए इसका निकल गया है, देखिए इसका बनेगा जितना भरता। इसी तरह से सारा हमको करना है अभी। तो दोस्तों ये बीचा है ना, सारा बीचा को निकाल के जब मसाला भुंजाएगा ना, तो इसे भी भुंजाएगा, इसको भी पूरा अच्छा से भुजाएगा दोस्तों। प्याज व्याज पूरा देख, तो आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं दोस्तों इसका भरता। तो ब्लॉग पे बने रहे दोस्तों। तो हम तो सारा निकाल चुके हैं, बीचा जितना था हमारा सब ऐसे से निकल चुका देख सकते हैं। और जा रहे इसका मसाला रेडी करने के लिए, क्या क्या मसाला लगेगा दोस्तों। और एक कैता है जो हमारा, इसको भी धोना है दोस्तों। चलिए इसको धो के रख देते हैं, इसका पानी भी तब तक निकल जाएगा दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों इसी तरह से हमको पूरा कैता को अच्छा से धोना है। देखिए ये देखिए इसका पानी निकाल देना है, जो पानी नहीं रहे। देखिए देखिए पानी कितना अंदर में है ना, पूरा झड़ रहा है। देखिए अब जा रहे हैं इसको रख देते हैं हम। तो फ्रेंड देख सकते हैं इतना मिर्चा हम दिए, हरा मिर्चा कैता में देने के लिए। और देख सकते हैं प्याज भी हम देंगे कि थोड़ा हमारा मसाला है ना ज़्यादा हो जाए। देख सकते हैं अब हम जीरा दे रहे हैं,
और भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इसमें गोलकी है, देख सकते हैं। एक गुल्लू, गुल्लू भी आ गया। तुम भी खाना बनाएगा बेटा? नहीं 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 नहीं, देखिए गोलकी, काला मिर्ची, मिर्ची दे रहे हैं दोस्तों। ए बनमासी इधर। तो अब हम लहसुन दे रहे हैं, एक एक से डेढ़ पोटी जैसे हमारा लहसुन है। और जितना कहता है हरा है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसमें कुछ नहीं देना है दोस्तों। और लाल मिर्ची आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं। तो हमारा उतना हरा मिर्चा नहीं था तो हम नहीं दिए। ये देखिए, क्यों, प्याज तो मीठा होता है ना, भुंजाते भुंजाते तो ये हो जाएगा। ये देखिए, अब हम थोड़ा लाल मिर्ची भी दे देते हैं दोस्तों। इसको हम पीस लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया दोस्तों। ये हमारे इतना सारा प्याज है दोस्तों, वो भी हमारा मसाला बनेगा दोस्तों, टेस्टी टेस्टी देहाती। तो चलिए दोस्तों, इसको प्याज को हम सारा काट लेते हैं। जितना हमारा पानी धो लिए थे, क्यों आया था ना यहाँ पे प्याज, तो बहुत सारा प्याज था। तो उसको हम, ये देखिए, लंबा लंबा ऐसे ऐसे करके काट लेंगे। इसी तरह से सारा प्याज काट लेंगे। कढ़ाई में आराम से इतना अच्छा से लेवल लगाया ना, जो करखा जितना रहेगा ना छूट जाएगा। और माई थोड़ा चूल्हा जला दे रही है, क्यों इतना हमको नहीं पता है ना कि कहाँ है। तो ही माई चूल्हा जला दे रही है जल्दी से। अभी बनाएंगे भरता, लग जाए ना माई। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा चूल्हा कितना अच्छा था, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। अरे देखिए, तेल देंगे दोस्तों, तेल अपने हिसाब से दीजिएगा। और ये देखिए, हम सूखा मिर्चा लिए हैं, और ये थोड़ा सा जीरा, दो तेज पत्ता लिए हैं दोस्तों। तेल गर्म हो जाएगा, ये देखिए सारा दे देना है। ये हल्का से चटक जाएगा हमारा फोरन, उसके बाद हमें प्याज देना है दोस्तों। एकदम अच्छी तरह से चटक गया है, अब हम प्याज देंगे दोस्तों। इसमें काफ़ी प्याज पड़ता है, क्यों भरना पड़ता है ना, तभी प्याज गल के थोड़ा से हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, इतना प्याज दिख रहा है ना, थोड़ा हो जाएगा अभी। तभी प्याज को अच्छी तरह से, जब तक ये गल ना जाए तब तक हमको प्याज को भूंजना है दोस्तों। देख सकते हैं, ये मीट मसाला है दोस्तों, ये हल्दी है दोस्तों, और ये थोड़ा लाल मिर्चा है दोस्तों। सबको हमको देना है। तो इसको अच्छा से भुंजा चुका है, एकदम गल गया है इतना प्याज से, थोड़ा प्याज हो गया है। अब ये हमारा जो बीच है ना, अब इसे, इसको भुंज भी देना है, इसको भी भुंजना है पूरी अच्छी तरह से। ये देखिए, इसको भी करीब अभी 5 मिनट भुंजना है, जब तक इसका पानी उन्हीं जो रहेगा जितना, सब निकल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, अब हम हल्दी देंगे दोस्तों। ये देखिए, अपने हिसाब से हल्दी देना पड़ता है, आप जितना हल्दी दे सकते हैं, पीला ना हो। ये देखिए, हो गया, इतना हल्दी दे चुके हैं। अब हम ये जो हमारा मसाला है, देख सकते हैं, मसाला देंगे। क्या काम बिकी माँ, तो देख सकते हैं मेरा बिल्लू पूरा ताली बजा रहा है, मम्मी खाना बना रही है। ये मत छूना बेटा पानी, पीता पीता है ना। देखिए दोस्तों, अभी मसाला पूरा भूज रहे हैं, और बिल्लू हमारा आ गया जब तक। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए। हाँ बेटा, खाएंगे हम लोग। अब हम नमक दे देते दोस्तों, नमक नहीं खाएंगे, नमक नमक दे देते मसाला में, नमक। देखिए, पानी भी थोड़ी नहीं देना है पानी उन्हीं। अरे देखिए, थोड़ा सा लाल मिर्चा दे देते हम बस। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। बुल्लू बुल्लू देखिए ना, ताली मारा, पूरा गंदा होके आया। कहाँ से आया बेटा तुम, पता नहीं कहाँ से लग रहा, धूली माटी। हाँ, हम चूल्हा जला लेंगे, आपको नहीं दरकार है चूल्हा जलाने। अभी मसालों को पूरी अच्छी तरह से भूनना है। और ये हमारा जो मीट मसाला है, वो सबसे लास्ट में देंगे दोस्तों, जब पूरा हमारा
मसाला अच्छा से भुजा जाएगा, जब तक तेल ना पूरा अच्छी तरह से छोड़ देगा तब तक हमको भूजते रहेंगे। अब गुल्लू तो मेरा आए ही है काम करने के लिए, चूल्हा में आग लगा दो, लहका दो। हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ, तुम अच्छा बच्चा है ना, हाँ ताली मारो ठीक। ऐसे 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 सीताराम 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 करो, सीताराम करो। तो मम्मी खाना बना रही ना, फिर आ गया गंदू लड़कू ना, मम्मी को खाना बनाने दो। देखिए अब लकड़ी को निकाल के वो अंदर दे, अब क्या हो गया, धुआं लगेगा, जाओ खेलने जाओ भैया साथ खेलने। अब थोड़ा देरी में मसाला भी हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, और देख सकते कितना धुआं दे रहा है ना, पूरा आग साफ ही निकल रहा है। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है ना, भुजा के बस अब कुछ नहीं है, थोड़ा दो मिनट लगेगा और बस हो गया रे। देखिए अब हम मीट मसाला देने वाले दोस्तों, क्यों हमारा पूरा मसाला भुजा चुका है ना, इसलिए नहीं खाएगा। तुम बोलो नहीं खाएगा। अब दे दिए हैं, अब इसको दो मिनट भुजना है बस, अब फिर उतार देना है हमें। मसाला है जो हम प्लेट में निकाल लेते हैं, हम दोस्त देख सकते हैं। देखिए हमारा मसाला कितना हो गया है, अब इसको इसमें पानी दे देते हैं, क्यों इसको बॉईल करना, हल्का से इसको भाप देंगे ना अच्छा रहेगा। तो देख यही पानी में मतलब थोड़ा से सिझा देंगे ना तो अच्छा से भरा जाएगा और तुरंत सीझ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको हल्का से बॉईल होने देते हैं हम। तो हमारा देख सकते हो चुका है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना था, थोड़ा सा बॉईल करना था कि भरते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे करके भरना है हमें, भर भर के ऐसे रख। गरम है ना इसलिए। सारा मसाला हमारा भरा चुका है, देखिए हम तावा में देख के पकाएंगे दोस्तों, अच्छा से सीछेगा हमारा तावा पे। इसी तरह से पकाना है ना, हो गया देखिए, अभी फुलक फुलक के सिझाना है दोस्तों। इसी तरह से सारा हम तैयार करेंगे दोस्तों, जितना हमारा भरता है अगल बगल में पूरा सिझाएंगे। देखिए हमारा सीझ रहा है इतना अच्छा, काफ़ी टेस्टी लगेगा दोस्तों खाने में, और सभी को खिलाएंगे और सबसे पूछेंगे कि हमारा कैसा लगा है दोस्तों। भाभी है देखिए हमारी है, खाना पड़ोस भी इधर, हम एक एक ठो करके देते जाएंगे दोस्तों। मेरे गुल्लू बहुत परेशान है, तो देख सकते हमारा दूसरा खानी है, ये देखिए कैसा का भरता दोस्तों, देख सकते तावा पर पकाने से क्या होता है ना कि तेल इतना भी नहीं लगेगा और अच्छा से हमारा कैसा पक जाएगा दोस्तों। ये देखिए उलट पुलट के इसको पकाना है, सब एक एक जन सब खाए जा रहे हैं दोस्तों। भैया खा रहे हैं, दादाजी खा मतलब पापा जी खा रहे हैं और मम्मी जी खा रहे हैं। और देखिए हमारा भरता भी इतना बचा, तीन बचा और इधर बचा दोस्तों अभी, हाँ भाभी बचे हुए खाने के। अरे देखिए हमारा हो चुका है हमारा भरुआ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों खाने में। जिनको जिनको आना है आ जाइए हमारे घर पर गड़वा खाने के लिए ना जी, गड़वा मिलेगा दोस्तों खाने के लिए। चला हो गया है, अब निकाल लेते हैं, अब इसको हम साइड में करके रख देते हैं, गर्म है काफ़ी, इसको यहीं रहने देते हैं।
कैसा लग रहा दोस्तों हमारा भरता? बहुत ही अच्छा लग रहा दोस्तों, जब खाएंगे ना तब तो हम जाएंगे खाने के लिए बरस वरस करके। भैया और मम्मी और पापा खा रहे हैं, बोरे बहुत ही टेस्टी लगा है खाने में, जो अच्छा लग रहा। मैया बोलते हैं हमको, तो बोरे बहुत ही टेस्टी लगा। तो जा रहे दोस्तों, हम भी देर ना करते हुए जा रहे हैं बरस करने दोस्तों, और जल्दी से खाएंगे। तो आप लोग भी जिनको खाना है आ जाइए गढ़वा। ओके, एक घंटा में आपको मिल जाएगा खाने, उसके बाद नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर हम लोग खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो हमारा रेसिपी देहाती रेसिपी है दोस्तों, हमारा काफ़ी लोग बहुत पसंद आता है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगता है दोस्तों खाने में। आप लोग तो खाए होंगे और हम भी खाते हैं, बहुत दिनों के बाद बनाया ना, तो लालच बहुत जल्दी आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है। तो बाय बाय दोस्तों, जा रहे खाने के लिए।